हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बना के दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी बैटरीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने चार तरह की बैटरी पड़ी है। मोस्टली हम इसी का इस्तेमाल करके कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आज की ये वीडियो में मैं आपको ये चारों बैटरी एक एक करके रिपेयर करना सिखाऊंगा और सारी बात बताऊंगा इसमें कौन सी बात सच है कौन सी झूठ। तो चलो यार, सबसे पहले मैं इसको आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये है लेड एसिड बैटरी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ इसका वोल्टेज कितना है। ये बैटरी एकदम ख़राब है, एक तरह की मतलब ख़राब क्या, काफ़ी टाइम हो गया, ख़राब नहीं कह सकते। तो मैं आपको ये पहले सबसे पहले इस बैटरी को रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं इसमें 3.14 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको एक LED जला के दिखाता हूँ 3 वॉट की, देख सकते हैं। इसमें पावर होने के बावजूद भी ये LED को नहीं जला पा रहा, देख सकते हैं आप लोग। तो यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक मार देना। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो एक लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना बस, और इंतज़ार करना नई वीडियो की। तो एक दिन में मैं 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं अभी भी पावर इसमें जो है 3.12 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है। तो उसके बाद मैं आपको ये रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रू ड्राइवर लेकर कोई या फिर कोई निकुनुकीली चीज़ लेनी है। इसको सबसे पहले आपको ये इसका जो ऊपर का रबड़ है अंदर जो कवरिंग है निकाल लेना है। उसके बाद आपको इंजेक्शन लेना है, आप छोटा बड़ा जैसा मर्जी ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी कुछ है, कचड़ा उचड़ा, पानी कचड़ा जो भी है इसमें, सब आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो धीरे से निकालना भाई, कहीं सुई आपके उंगली उंगली में ना लग जाए, वरना फिर मेरे को ही दोष दोगे। देख सकते हैं इसमें से पानी निकला है तेजाब जैसा है, लेकिन ये गंदा पानी है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। उसके बाद दूसरे वाले में से मैंने निकाल दिया है, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये वीडियो एकदम रियल है। अगर आपको कोई शक है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं इसे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बैटरी वाला पानी है, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पर जाओगे, उससे 10 से 15 रुपये में बैटरी का पानी आता है, वो आप ले सकते हैं। 2 से 3 लीटर मिलता है वो, तो ले सकते हैं। तो आपको नया पानी बैटरी वाला लेना है। और जो लोग कहते हैं ना कि नींबू डाल के और नींबू का रस और क्या नमक पानी डाल के अगर बैटरी बन जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैटरी ऐसे चलेगी, ख़राब ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो देख सकते हैं इसको पूरा भर देना है आपको, जब तक ये बाहर ना निकलने लग जाए। तो बैटरी का पानी डालने के बाद इसको जो बाकी का जो पानी है इसका, तो इसको साफ़ कर लो आप। मैंने तो इंजेक्शन से इसे वापस सक कर लिया। ठीक है, उसके बाद रबड़ जो है दोबारा हमें वहीं का वहीं पुट कर देना है जहाँ पर हमने निकाला था, जहाँ से। तो देख सकते हैं हमने पानी तो बदल दिया है। अब इसको चेक करना है कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं, पावर आती है कि नहीं। तो चेक करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यार, तरीका वो बहुत सिंपल है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि आपको ऐसा डाटा केबल लेना है, कटा डाटा केबल लेना है, मतलब USB, और चार्जर लेना है। तो मैंने इसमें मेल फीमेल जैक कनेक्ट कर रखा है, मैंने अपने हिसाब से बना रखा है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसको कनेक्ट करके सबसे पहले मैं सोल्डिंग कर देता हूँ यहाँ पे। तो सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे मैं पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर यहाँ कनेक्ट कर दूँगा। यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंतज़ार करना है नई वीडियो जल्दी ही डालूँगा। तो मैंने इसको चार्ज करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे लगाने के बाद मैंने इसको चार्ज कर लिया फुल। तो मैं आपको ये चेक करा के दिखा देता हूँ आपको इसे। तो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। देखो, मैंने वही बैटरी ली है और वही LED है, तो देख सकते हैं आपके सामने ये चार्ज हो रहा है, मतलब इसके अंदर पावर आ गई है, मतलब 3 वॉट की LED आराम से जला पा रहा है। तो यार कमेंट में बताना ये वाली वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, और कौन से नए प्रोजेक्ट बनाऊँ मैं, वो उसके लिए कमेंट करना। तो चलो यार, दूसरी बैटरी रिपेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं आपको एक नोकिया की बैटरी रिपेयर करके दिखाता हूँ, वो भी ओरिजिनल वाली। तो ये जो 3 बैटरी हैं, इन सब के पहले पावर चेक कर लेंगे हम लोग। इन सब में तो चार्ज है, इसको चेक करते हैं, इसमें भी चार्ज है और ये वाला भी चार्ज है। इसको देखते हैं क्या ये भी सभी चार्ज है, नहीं ये चार्ज नहीं है। तो इस चलो यार इसी को रिपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मोस्टली क्या होता है ना कि इस तरह की बैटरी में ये होता है कि जब मतलब या तो ज़्यादा दिन तक ये पड़ी रहती है तब ख़राब हो जाती है, इसके अंदर जंग लग जाता है, इसका BMS जो होता है वो ख़राब हो जाता है, प्रोटेक्शन बोर्ड जो होता है। तो अभी मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो वोल्टेज इसमें बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर वोल्टेज आ रहे हैं।
तो इसको रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, ठीक है। वोल्ट मीटर से मैंने आपको चेक करा के दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लायर लेके इसको ऊपर का जो हिस्सा है ना BMS, वो आपको आराम से निकाल लेना है। आराम से, तोड़ना नहीं है, आराम से निकाल लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये BMS ख़राब भी है कि नहीं है। तो देख सकते हैं मेरे केस में मुझे लग रहा है BMS मेरा ख़राब है, ठीक है। तो ये आपको आराम से निकाल लेना है। तो निकालने के बाद अब मैं आपको इसकी पावर चेक करा के दिखाता हूँ। तो ये BMS देख सकते हैं, ये लगभग मुझे लग रहा है अंदर से टूट गया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको वोल्ट मीटर से चेक करा के दिखाता हूँ इसकी पावर। अभी इसमें कोई पावर नहीं आ रही थी, लेकिन अब देखो इसमें लगभग फुल पावर आ रही है। 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, लेकिन 4.14 दिखा रहा है। एक तरीका तो ये है चार्ज करने का, दूसरा तरीका कोई है ही नहीं। देख सकते हैं, आपको मैं LED चेक करा के दिखा देता हूँ आपके सामने, कोई फेक वीडियो नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग। और ये काफ़ी ज़्यादा रोशनी है यार इसकी, बाकी जो लेड एसिड वाली बैटरी थी उससे ज़्यादा रोशनी है इसकी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बैटरी पूरी तरह इसमें बिना विदाउट प्रोटेक्शन। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल है, कोई ख़राब मोबाइल की बैटरी है ख़राब फूली हुई, तो आप उसको वो लगा सकते हैं। तो चलो यार, आप तीसरी वाली बैटरी रिपेयर करके दिखाते हैं। मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें इस वाली बैटरी को कभी पूरा, मतलब इसका जो कवरिंग है वो निकाल के उसके बाद रिपेयर करके दिखाते हैं, और फिर पता नहीं कौन कौन से तरीके से। तो यार मेरे को तो वो सही नहीं लगा, ये खुलने के बाद तो बैटरी पूरी तरह ख़राब ही हो जाती है फिर। तो मैं आपको एक रिपेयर करके दिखाता हूँ। इसमें देखो 3.8 वोल्ट आ रहा है पूरा, सेम प्रॉब्लम है इसमें जो लेड एसिड वाली बैटरी थी, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। तो देख सकते हैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, तो ये आपको मैं LED जला के दिखा देता हूँ। इससे LED जला के दिखा देता हूँ मैं। तो LED भी देखो कोई पावर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, पावर होने के बावजूद भी ये नहीं चल रहा। तो क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर इसके अंदर, या तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, या तो ओवर चार्ज हो जाता है, और डिस्चार्ज फिर ज़्यादा हो जाता है फिर ये, मतलब डिस्चार्ज मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो यार इसको एक ही तरीका है चेक करने का। तो इसके अंदर ना एक कॉइल लगी होती है, तो उस कॉइल को जब प्रेस करोगे आप, इसके अंदर देखो शॉर्ट सर्किट, देखो हुआ भी आपको दिख गया होगा। तो इसमें थोड़ी सी शॉर्ट सर्किट करके निकालना पड़ता है इसको। तो चलो यार अब इसको चेक करके देखते हैं इसकी पावर आई है कि नहीं। देख सकते हैं आप लोग, देखो मैंने आपके सामने करके दो तीन बार मैंने निकाल दिया ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। अब मैं आपको इसकी पावर दिखाता हूँ। देखो कुछ हद तक पावर आ गई है इसमें, है तो 3.7 वोल्ट ही शायद, कुछ हद तक पावर इसमें आ गई है। तो अब अगर आप इसे चार्ज करोगे तो ये 100% चार्ज होगी, ये मेरी गारंटी है। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको लाइक करने में सिर्फ एक सेकेंड लगेगा। ये बैटरी तो रिपेयर होगी, अब आपको मैं अगली वाली बैटरी रिपेयर करके दिखाता हूँ। ये है 9 वोल्ट की जो बैटरी आती है ना, हाई वॉट HW जिस पे लिखा होता है, 15-20 रुपए की आती है। बहुत वीडियो देखी मैंने YouTube पे कि आप इसको ऐसे चार्ज कर लो, आप इसको ऐसे चार्ज कर लो, पुराने चार्जर से चार्ज कर लो, मैंने बहुत देखा। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ये बैटरी रिचार्ज हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई भी चार्जर आप इस्तेमाल कर लो, ये बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ की होती है बस खाली। तो यार इस बैटरी को चार्ज करना और बेवकूफ़ बनाना, तो भाई ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बैटरी सारी वीडियो ख़राब होती हैं, कुछ ना कुछ वीडियो सही होती हैं। बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। गुड बाय।